सलाद बनाकर चटपटा व्रत में खा सकते हैं। बिल्कुल तीखा मीठा और नमकीन भी बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूं सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने। दिखाते हैं क्या क्या उसमें सामग्री लगेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे मखाना मैं ले ली हूँ। मखाने के साथ यहाँ पे बादाम है और थोड़ा सा काजू है, जितना आपको पसंद उतना उसके अनुसार आप डाल सकते हैं। मैं फ्रेंड्स कढ़ाई रख दिए हैं और कढ़ाई में घी डाल रहे हैं, क्योंकि व्रत वाला सामान है तो आप उसमें घी का ही बनाए तो शुद्ध माना जाता है। और साथ में यहीं पे मैं जीरा डाल दे रही हूँ। साथ में फ्रेंड्स दो हरी मिर्च डाल रही हूँ। अब इसी स्टेज पर मैं मखाना को डाल रही हूँ। मखाना को सिम करें, कम आंच करके आप इसको फ्राई करें। अब इसको एक साइड से करके और इसी स्टेज पे मैं बादाम को भी डाल दूँगी, ताकि साथ में दोनों सुनहरे कलर में भून जाए और बादाम भी काजू भी साथ में डाल दे रहे। तो फ्रेंड्स मैं मखाने मसाले बना रही हूँ। चूंकि दिन भर व्रत करता है आदमी तो थोड़ा सा चटपटा खाने का मन करता है, तो आराम से आप इसको बना सकते हैं। तो यही स्टेज पे मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और साथ में सेंधा नमक डाल रहे हैं। आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। अगर व्रत में नहीं खाना है तो आप सिंपल भी नमक से बनाकर खा सकते हैं। यहीं पे कुटी हुई मिर्च डाल रहे हैं और साथ में जीरा पाउडर डाल रहे हैं। आपको जो भी चीज पसंद ना हो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये आप आराम से इसको खा सकते हैं। और चाहे तो कड़ी पत्ता भी डाल लीजिएगा इसमें। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं नहीं डाली। तो फ्रेंड्स मेरा अच्छी तरह से भून चुका है, देख सकते हैं कलर भी आ गया है। अब इसी स्टेज पर मैं गैस को ऑफ करती हूँ, फिर दिखाते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा मसाले मखाने बनके तैयार है। तो आपको सर्व करके दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आप बनाकर चटपटा व्रत में खा सकते हैं। बिल्कुल तीखा मीठा और नमकीन भी बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको रेसिपी बनाकर दिखाई हूँ। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय।